बारिश के बाद जब गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला खेला गया तो चौके और छक्कों की बरसात देखने को मिली। खतरनाक बल्लेबाजी के बाद ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा का भयंकर तूफान आया, जिसे देखकर शुभमन गिल के भी होश पूरी तरह से उड़ गए। तो चलिए बताते हैं 10 ओवर के मुकाबले में दोनों की खतरनाक बल्लेबाजी के बारे में। लेकिन अगर आप भी शुभमन गिल को एक बेहतर खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। टॉस जीतकर इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी का न्योता गुजरात की टीम को दिया गया था। आपको बता दें कि सलामी बल्लेबाज के तौर पर शुभमन गिल और साई सुदर्शन आए थे, क्योंकि यह 10 ओवर का मुकाबला था, इसलिए पहले ही ओवर से बड़े शॉट देखने को मिले। शुभमन गिल ने पहले ही ओवर में 2 शानदार चौके और 1 छक्का लगाकर अपने इरादे तो साफ कर दिए थे। ताबड़तोड़ बल्लेबाजी गुजरात की तरफ से देखने को मिली। शुभमन गिल 68 रन बनाकर आउट हुए सिर्फ 29 गेंद में। आपको बता दें कि 10 ओवर में 131 रन तक पहुंच गई थी गुजरात की टीम, जो कि एक अच्छा टोटल था। उसकी जवाब में लक्ष्य का पीछे करने उतरी अभिषेक और हेड की जोड़ी ने तबाही मचा दी। पहले ओवर में 17 रन ठोक दिए थे और उसके बाद मोहित शर्मा के ओवर में हेड ने 2 छक्के लगाते हुए 2 ओवर में 31 रन कर लिए। शुरुआत तो अच्छी मिल चुकी थी, लेकिन उसके बाद अभिषेक 9 रन बनाकर कैच आउट हो गए और उसके बाद बल्लेबाजी पर आए मयंक अग्रवाल ने हेड के साथ स्कोर को आगे बढ़ाया। 3 ओवर में 45 रन थे, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दे सिर्फ 7 रन बनाकर मयंक अग्रवाल भी दूसरे विकेट के रूप में आउट हुआ और मुकाबला जब पलट गया। जब क्लासेन इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल सके, सिर्फ 4 ओवर में 53 रन ही हो पाए थे और 3 विकेट गिर चुके थे। उसके बाद बल्लेबाजी पर आए रेडी के साथ हेड ने संभलकर बल्लेबाजी करी। 7 ओवर में 85 रन बन चुके थे, हेड 21 गेंद में 54 पर थे। 3 ओवर में जीत के लिए लगभग 47 रन की जरूरत थी और सिर ने 17 रन जोड़ दिए। 2 ओवर में 30 रन की जरूरत थी, उसके बाद अंतिम ओवर में 18 रन की जरूरत थी। 3 छक्के लगाते हुए हेड ने मुकाबले में अपनी टीम को जीत दिलाई और सिर्फ 31 गेंद में 89 रन की पारी खेली। वैसे आप सभी उनकी बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे कमेंट सेक्शन में बताएं।